सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो गाइज, आज हम लोग चल रहे हैं अपनी बाइक में मोबाइल चार्जर होल्डर लगवाने। तो गाइज चलिए हम लोग जल्दी से चलते हैं अपनी बाइक पे और इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर अपनी बाइक पे आ चुके हैं। तो गाइज चलिए हम लोग जल्दी से चलते हैं अपनी बाइक में चार्जर लगवाने, और साथ ही साथ जो है हम लोग चार्जर एक ऐसा लगवाएंगे जो कि मोबाइल होल्डर भी होगा और साथ ही साथ उसमें चार्जिंग भी हो जाएगी। तो गाइस चलिए फिर हम लोग जल्दी से चलते हैं। बेटे ओ बेटे मौज कर दी, हां मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेरू, तुम तो अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। एक हाथ से फोन, एक हाथ से बाइक, वो भी विदाउट हेलमेट। हम क्या ही कर रहे हैं लोगों का। एक्चुअली हम लोग यहाँ से लेते हैं लेफ्ट, इसलिए हम लोग देखते हैं और हम लोग को आज साथ क्या देखने को मिलता है। थोड़ा एक ड्राइविंग तो बनती है। यहाँ से हम लोग को लेना है राइट, बताएंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा दूर नहीं है। इस रोड पर ट्रैफिक बहुत हो जाता है, ये गन फट गया। आपने जैसे कि एक क्लोज कॉल देखी, बहुत खतरनाक है। वैसे हम लोग को यहाँ से लेना है लेफ्ट। थोड़ी सी यहाँ पर रोड खराब है, यहाँ पर जो है हम लोग आ चुके हैं अपने भैया की शॉप पे। राइट चलिए फिर आप लोगों से मैं डायरेक्ट मिलता हूँ जहाँ पर हम लोग अपनी चार्जर कनेक्ट करवाते हैं, वहीं पर आप लोगों से मैं मिलता हूँ।
सो गाइस यहां पर हमारी बाइक में जो है चार्जर लग चुका है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहां पर हमारी बाइक में जो है ये वाला चार्जर लग चुका है। साथ ही साथ मैंने अपने मिरर का जो ऊपर वाला एरिया है उसमें वहां पर कार्बन फाइबर रैप कराया है। तो गाइस चलिए आप लोग को मैं इन सब की टोटल कॉस्टिंग बता देता हूँ और थोड़े बहुत आप लोग यहाँ पर सिनेमैटिक इन्जॉय कर लीजिए। इसी के साथ गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने यहाँ पर सारे स्ट्रैप्स कनेक्ट कर दिए और फोन हमारा सिक्योर हो गया है। तो गाइस चलिए हम लोग हाई स्पीड टेस्ट करके देख लेते हैं कि कितनी स्पीड तक हमारा जो फ़ोन है इसमें टिका रह सकता है। अगर हम लोग 100-120 पे क्रूज कर रहे हैं तो क्या फ़ोन हमारा टिका रहता है या निकल जाता है। अब ये रिस्क वाला सीन है लेकिन टेस्ट तो चलो करना ही है। तो गाइस हम लोग यहाँ पर जो है इस चौराहे पे पहुँच चुके हैं और यहाँ से अब हम लोग को स्पीड टेस्ट करना है। गाइस चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा मेरे ख्याल से जो हमारी बाइक है वो आराम से 120 प्लस चली गई थी और उसके बाद भी जो मेरा फ़ोन है वो यहाँ पर मुझे नहीं लगा कि ज़रा सा भी हिला या फिर उसमें कोई मुझे ऐसा डरने वाली बात लगी जहाँ पर कि मेरा फ़ोन निकल जाएगा या ऐसा कुछ। तो गाइस चलिए आप लोग यहाँ पर थोड़े से सिनेमैटिक्स को एंजॉय करिए, फिर आप लोगों को मैं यहाँ पर इसकी प्राइसिंग बता देता हूँ कि यहाँ पर जो हम लोग का यहाँ पर टोटल जो स्पेंडिंग है वो कितनी हुई है। चलिए आप लोग को मैं अपना फ़ोन यहाँ पर मोबाइल होल्डर भी चार्जर में लगा कर दिखा देता हूँ कि इसमें जो फ़ोन है वो हम लोग का कैसे लगता है। तो बस आप लोग को पहले जो है यूँ करके यहाँ पर इसको ऐसे प्रेस करना और आपका फ़ोन जो है यहाँ पर ईजिली अंदर चला जाएगा और यहाँ पर ऐसे होने के बाद आपका फ़ोन जो है यहाँ पर लग गया है। ज़्यादा सेफ्टी के लिए जो है आप लोग यहाँ पर ये जो रबर स्ट्रैप दे रखे हैं इनको लगा सकते हैं। सो गाइज अगर हम लोग यहाँ पर चार्जिंग की बात करें तो गाइज जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पर यूएसबी केबल कनेक्ट कर दिया। नीचे की साइड आप लोग को यहाँ पर एक छोटा सा यूएसबी पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। गाइज इसका हम लोग जैसे यहाँ पर कवर ओपन करते हैं अंदर की तरफ आप लोग को यहाँ पर एक ऑन ऑफ का बटन देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइज हम लोग यहाँ पर बटन को ऑन कर देते हैं और अपनी यूएसबी को यहाँ पर प्लग कर देते हैं। लेकिन गाइज जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी भी हमारा फ़ोन जो है वो चार्ज नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने इसका जो कनेक्शन है वो अपनी बाइक के इग्निशन से कर रखा है। तो गाइज जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही मैंने इग्निशन यहाँ पर ऑन करा है मेरा फ़ोन यहाँ पर चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। गाइस मैंने यहाँ पर इग्निशन से स्विच इसलिए करवा रखा है क्योंकि गाइस ताकि चलते फिरते कोई भी हमारी बाइक से अपना फ़ोन चार्ज ना कर सके और हमारे बाइक की बैटरी बची रहे। तो गाइस अगर आप लोग को यहाँ पर ये जो चार्जर है इसको परचेज करना है तो गाइस आप लोग को यहाँ पर जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो वो लोग आप अभी देख ही चुके हैं, जो बिल्ड क्वालिटी है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। मैंने अभी आप लोग के सामने 120 प्लस बाइक खींची थी लेकिन जो मेरा फ़ोन है वो एकदम स्टेबल था और यहाँ पर जो फास्ट चार्जिंग है वो भी आप लोग को यहाँ पर इस मोबाइल होल्डर में देखने के लिए मिल जाती है। तो आपका जो डिवाइस है अगर उसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है तो आपका जो फ़ोन है वो बहुत यहाँ पर जल्दी चार्ज हो जाएगा। तो गाइस अगर आप लोग को यहाँ पर ये जो चार्जर है ये अच्छा लगा है तो गाइस आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देखने के लिए मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग इस चार्जर को परचेज कर सकते हैं। आप लोग को अपनी बाइक के लिए चाहिए, अपनी स्कूटी के लिए चाहिए गाइस आप लोग वहाँ से जाके परचेज करके अपनी बाइक स्कूटी में इसको लगा सकते हैं। तो गाइस इसी नोट के साथ आप लोग को ये चार्जर कैसा लगा मुझे बता दीजिएगा। हम लोग करते हैं यहाँ पर इस वीडियो को क्लोज, मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ। We'll be right back.